मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर आज हम सप्तमी तत्पुरुष के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सप्तमी तत्पुरुष के कुछ नियम लिखे गए हैं, तो उन नियमों को थोड़ी सी चर्चा कर लें, तो उसके बाद सप्तमी तत्पुरुष के बारे में समझेंगे। दिया है सप्तम्यंत सुबंत का, अर्थात सप्तमी पद से युक्त शब्द का सौंड, धूर्त, प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, चपल आदि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। किन किन शब्दों के साथ? सौंड, धूर्त, प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, चपल आदि शब्दों के, माने और भी शब्द हैं दो चार, तो सौंडादि एक गण है, सौंडादि एक गण है, उस गण में 10-12 शब्द आते थे, तो उसमें से जो मुख्य शब्द थे उन शब्दों को लिया गया कि सौंड, धूर्त, प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, चपल आदि शब्दों के साथ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी कि वह शब्द कौन कौन से हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और वह हमारा एग्जाम्पल है अच्छ साउंड। अच्छ साउंड, अच्छ साउंड है इस साउंड, धूर्त, प्रवीण। साउंड का अर्थ होता है ना चतुर। साउंड का अर्थ क्या होता है? चतुर। धूर्त का अर्थ समझते हैं, प्रवीण का अर्थ ही समझते हैं तेज तर्रार, पंडित का अर्थ ज्ञानी, कुशल माने किसी क्रिया के या किसी कार्य में कुशल, निपुण किसी कार्य को करने में निपुण। कार्य कई प्रकार के लोग करते हैं लेकिन वह उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा निपुण है। चपल अर्थात बहुत तेज है। तो इन्हीं अर्थों में जो है सप्तम पद के साथ या सप्तमयंत पद के साथ जो है सप्तमी तत्पुरुष समास होता है अच्छ साउंड। तो अच्छ साउंड, तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो अच्छ का सप्तमी में बनता है अच्छेसु, अच्छेसु साउंड है। क्या बनेगा? अच्छेसु साउंड है। अच्छेसु माने होता है पासा, अच्छ माने क्या होता है? ये पासा होता है। तो अच्छेसु साउंड है पासा में चतुर या पासा खेलने में चतुर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि पासा खेलने में चतुर, पासा खेलने में चतुर अच्छ साउंड है। अच्छे सुसाउंड इति अच्छ साउंड अर्थात पासा खेलने में चतुर। तो पूछ देगा अच्छ साउंड में समास है, तो अच्छ साउंड में सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं और वह हमारा उदाहरण है काव्य निपुण। क्या है? काव्य निपुण। तो जब इसका हम रूप चलाएंगे सप्तमी में तो रूप बनेगा काव्य। रूप क्या बनेगा? काव्य। और आगे हमारा शब्द आ रहा था निपुण। काव्य निपुण ही थी, काव्य निपुण। तो काव्य में निपुण व्यक्ति अर्थात काव्य में निपुण सप्तमी तत्पुरुष समास है। और भी इसमें शब्द जोड़ सकते हो, काव्य पंडित है, काव्य में विद्वान, काव्य कुशल है, काव्य करने में कुशल, काव्य चपल है, काव्य करने में चपल, काव्य प्रवीण है, काव्य करने में प्रवीण। बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। तो हम दो एग्जाम्पल के माध्यमों से आपको बता दिए कि इन शब्दों को लगाओगे तो वह शब्द क्या बन जाएंगे? सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाएंगे। तो काव्य निपुण है, काव्य में निपुण, काव्य कुशल है, काव्य में कुशल, काव्य पंडित है, काव्य में पंडित, काव्य चपल। तो पूछेगा काव्य चपल है में समास है सप्तमी तत्पुरुष समास, काव्य पंडित है में समास है सप्तमी तत्पुरुष समास, काव्य कुशल है में समास है सप्तमी तत्व, काव्य धूर्त है, काव्य में धूर्तता, काव्य में धूर्तता
क्या कहलाएगा? सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। तो ऐसे शब्द आ जाए, सौंड, धूर्त, प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, चपल शब्द आने पर जो है सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। लेकिन यह पद कहाँ आवे? उत्तर पद में आवे। पूर्व पद में हमेशा सप्तम में पद रहेगा, लेकिन पूर्व पद में, उत्तर पद में सौंड, धूर्त, प्रवीण, पंडित, कुशल, निपुण, चपल आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। तो यह सप्तमी तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण थे और आपकी बुक में, आपकी किताबों में एग्जाम्पल दिए गए होंगे, उदाहरण दिए गए होंगे, उसमें लगभग यही उदाहरण आपको मिलेंगे। तो उनको आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बार बार देखते रहिए, क्योंकि कोई चीज़ अगर एक बार हम पढ़ लेते हैं और प्रश्न अगर वही हमारे पेपर प्रश्नों में पूछ लिया जाता है तो वह चीज़ हमें तुरंत याद हो जाती है। तो यह वीडियो कैसी लगी और इस समास के बारे में जो चीज़ें आपको समझ में ना आई हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इस चैनल पर अगर प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।